प्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस ये पॉल एर्लिक ने दिया था, तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि किसने प्राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया था, तो वो दिया था पॉल एर्लिक ने। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पॉल एर्लिक ने क्या दिया था। पॉल एर्लिक के हिसाब से राइवेट एक स्पेसिस है जिससे मिलकर जो है एक प्लेन बना है, ठीक है, जो एरोप्लेन है वो राइवेट नाम की स्पेसिस से बनी है। अब जो एरोप्लेन है यहाँ पे इकोसिस्टम है और राइवेट जो है वो स्पेसिस है, और पैसेंजर जो है वो प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे ही अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं वो प्लेन का एक पार्ट अपने साथ ले जा रहे हैं, मतलब राइवेट को ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो राइवेट निकलता चला जाएगा जब हर पैसेंजर धीरे धीरे प्लेन का एक एक पार्ट ले जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक दिन प्लेन गायब हो जाएगा। सही है, उसी तरह जिस तरह से ह्यूमंस धीरे धीरे ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से धीरे धीरे जो स्पीसीज ख़त्म हो रही है, उस तरह से इकोसिस्टम भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यही राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस का बताना था। चलिए कंसिडर करते हैं, ये एक प्लेन है जो राइवेट से मिलके बना है, ठीक है, ये सारा के सारा प्लेन एक इकोसिस्टम को बता रहा है और ये छोटे छोटे राइवेट से मिलके बना है। जब पैसेंजर इसमें चढ़ रहे हैं वो एक एक राइवेट अपने साथ ले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे राइवेट ख़त्म हो जाएंगे प्लेन के और प्लेन भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगे वैसे वैसे इकोसिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। फ़र्क तो तब ज़्यादा पड़ता है जब हम मेन एरिया के राइवेट यानी मेन की स्पीसीज को ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, ठीक है। चलिए